मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी रीड चैप्टर 9 एक्टिविटी, चैप्टर 9 एक्सरसाइज सी एनिमल्स। लास्ट वीडियो में हमने सी एनिमल्स की नेम पढ़े थे, फाइव फाइव डिवाइड करके। डॉल्फिन, फिश, क्रब, वेल, स्टारफिश, इनके यूजेस पढ़े थे। इनकी फेमस जो चीज़ें हैं, ये क्यों फेमस है, क्या इनके अंदर क्वालिटी है जिसकी वजह से ये फेमस है, ये एनिमल्स, सी एनिमल्स फेमस है बहुत ज़्यादा, वो हमने डिस्कस किया था। और ये आपको सी एनिमल्स के नेम्स जो हैं वो आपको लर्न करने थे, राइट? होप सो आप सभी ने सी एनिमल्स के नेम प्रॉपरली लर्न किए होंगे। एंड इन बॉक्सेस में आपको उनके नेम लिखने थे। बट ये क्या था जो हमने चैप्टर रीड किया था, उसको क्या था, उसमें आपको पहले प्राप्त उसमें आपको पहले स्पेलिंग्स लर्न करनी थी सही से, उसके बाद उसमें नोट डाउन करना था। बट ये क्या है, एक्टिविटी हमारी, ये हमारी एक्सरसाइज है। इसमें क्या है, इसमें भी वही चीज़ है, आपको पहले स्पेलिंग्स को लर्न करना है, उसके बाद ही आप इन बॉक्सेस में लिखेंगे। और सबसे पहली चीज़ आप डेट लगाएंगे, उसके बाद इन बॉक्सेस में लिखेंगे। सो एक बार हम रिपीट कर लेते हैं, हमने क्या नेम जो है वो लर्न किए थे, ठीक है? सो पहला एनिमल है हमारा डॉल्फिन, DOLPHIN, डॉल्फिन। यस, पहला सी एनिमल है हमारा डॉल्फिन, DOLPHIN, डॉल्फिन। सेकेंड है फिश, FISH, फिश। थर्ड है क्रैब, CRAB, क्रैब। फोर्थ है वेल, WHALE, वेल। फिफ्थ है स्टारफिश, STARFISH, ठीक है? इनको आप डिवाइड करके भी लर्न कर सकते हो। जैसे पहला एनिमल है डॉल्फिन, तो डॉल की स्पेलिंग आपको आती होगी DOLL। यहाँ पे क्या है, DLL नहीं है, यहाँ पे सिंगल एल है, DOL। और फिर क्या लगता है, फिन, PHIN, डॉल्फिन। फिश की आपको आती होगी, क्रैब स्मॉल स्पेलिंग है, वेल भी स्मॉल है। स्टार फिश की, स्टार की आपको आती है STAR। और फिश की अभी हमने लर्न की, FISH। सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको स्पेलिंग्स को लर्न करने में। और इनके यूजेस क्या है, इनकी फेमस चीजें क्या है, डॉल्फिन क्या है, बहुत ही सॉफ्ट बिहेवियर की बहुत सॉफ्ट बिहेवियर की एनिमल है, जो कहाँ पाई जाती है, सी और ओशंस में पाई जाती है। फिश को आपने देखा होगा। क्रैब क्या है, क्रैब की फेमस चीज क्या है, और फेस सॉरी क्रैब की क्वालिटी क्या है, ये ओशियंस, शी एंड लैंड्स, सभी प्लेसेस पर पाया जाता है। ये ओशियंस में भी रह सकता है और ये लैंड पर भी इजीली रह सकता है। वेल क्या है, वेल ओशियंस की सबसे बड़ी फिश मानी जाती है। और स्टारफिश, स्टारफिश फिश किन पे क्या होते हैं, बहुत सारे कांटे होते हैं जो इसको डेंजर से सेव करते हैं। क्लियर? सो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, जो हमारे फाइव सी एनिमल्स हैं, कौन कौन से हैं, ऑक्टोपस, शार्क, टर्टल, ईल एंड शील। ऑक्टोपस, OCTO, PUS, ऑक्टोपस। ऐसे आप इसको डिवाइड करके स्पेलिंग्स को इजीली लर्न कर सकते हैं, ठीक है? बट इसका प्रोनंसिएशन क्या है वो आपका क्लियर होना चाहिए, वो आपका प्रॉपर होना चाहिए, जिससे आपको स्पेलिंग्स मेकिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकेंड हमारा शार्क, SHARK, शार्क। टर्टल, TURTLE, टर्टल। ईल, WEL, ईल। और लास्ट एनिमल हमारा शील, SEAL, शील। ओके, तो ये हमारे
सी एनिमल्स हैं, ऑक्टोपस की क्वालिटी क्या है, ऑक्टोपस के 8 हैंड्स होते हैं जिनमें 6 हैंड एंड 2 लेग्स होते हैं, शार्क सबसे तेज शिकारी एनिमल मानी जाती है ओशंस की, टर्टल की जो मूवमेंट है वो क्या है, बहुत ज़्यादा स्लो होती है, ईल एक इलेक्ट्रिकल फिश मानी जाती है जो कहाँ पाई जाती है, यूरोपियन एंड यूएसए के फ्रेश वाटर में ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है, शील क्या है, शील भी एक सी एनिमल है और ये क्या है, बहुत ज़्यादा वल्चर टाइप है, तो ये हमारे सी एनिमल्स नेम हो गए, ये हमारे सी एनिमल्स नेम हो गए, इनकी एक्टिविटी हो गई, तो आप इनको प्रॉपरली पहले स्पेलिंग्स को लर्न करेंगे एंड देन फिर आप इस बॉक्सेस में इनको नोट डाउन करेंगे, ठीक है, तो ये आपका ईवीएस का होमवर्क हो गया, ये आप आज करेंगे और नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो लर्न करेंगे, ओके, थैंक यू।